نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. رب زدني علما. कानूनी मकाफाते अमल का मंतकी और फितरी नतीजा ये है कि इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, या यूं कहिए कि इंसान के अपने अमाल के जिम्मेदार होने का फितरी नतीजा ये है कि वो अपने अमाल का नतीजा भुगते। बात दोनों सूरतों में एक ही है। जिस शख्स को किसी चीज का जिम्मेदार ठहराया जाए, इसके मुतल्लिक कहा जाता है इसे इस चीज का हिसाब देना होगा, इसे अकाउंटेबिलिटी कहा जाएगा। कुरान करीम ने इसे हिसाब देने से ताबीर किया है। अकाउंटेबिलिटी कहा जाएगा, कुरान करीम ने इसे हिसाब देने से ताबीर किया है। सूरतुल हुजर में तेरा रब इस पर शाहिद है कि जो कुछ ये लोग करते हैं इनसे इसकी बाबत पार कोशिश होगी। दूसरी जगह है कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम, फिर इनसे इन तमाम नेमतों की बाबत पूछा जाएगा जिससे ये मुतमत्ता होते थे। पूछा जाएगा कि इन्हें हासिल किस तरह किया था और खर्च कहाँ किया था। इंसान ये समझता है कि चूंकि वो अपने कारोबार में आजाद साहब इख्तियार ही, इसलिए वो जो जी चाहे करे। ठीक है, इंसान नेमतों की बाबत पूछा जाएगा जिससे ये मुतमत्ता होते थे। पूछा जाएगा कि इन्हें हासिल किस तरह किया था और खर्च कहाँ किया था। इंसान ये समझता है कि चूंकि वो अपने कारोबार में आजाद साहब इख्तियार ही, इसलिए वो जो जी चाहे करे। ठीक है, इंसान साहब इख्तियार व इरादा है, इसे आजादी हासिल है, ये जो जी में आए करे, लेकिन इसे इसका इख्तियार हासिल नहीं, वो अपने अमाल के नताइज बदल ले। इसके लिए वो खुदा की कानूनी मकाफात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, यकीनन खुदा के हाँ इसका हिसाब होगा। खुदा के रसूल जो इंसानों को खुदा की कानूनी मकाफात से आगाह करते थे, इनसे वाज़ा अल्फाज में कहते थे इनका हिसाब इनके खुदा के हाँ होगा। एक काश ये इस हकीकत को समझ ले। और खुदा ऐलान करता था इन अलीना हिसाबहुम, इनसे हिसाब लेना हमारे जिम्मा है, बल्कि वो अपने रसूलों से वाज़ा कह देता था कि وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, तुम्हारे जिम्मा सिर्फ इस पैगाम का पहुंचा देना है, इनसे हिसाब लेना हमारे सिर्फ इस पैगाम का पहुंचा देना है, इनसे हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। इसके लिए खुदा को किसी माउन और मददगार की जरूरत नहीं, ना ही इसके इंतकाम में किसी किस्म का नुक्स या खामी है। वखाफा बिल्लाहि हसीबा, खुदा मुहासबा करने के लिए काफी है, वो हर शे का हिसाब लेगा। इंसानी अमल का एक जर्रा इसके
हिसाब में आ जाएगा। दुनिया का निजाम आदिल मुहासबा कितना ही मुकम्मल हमागीर क्यों ना हो, इसकी दस्तरस बहरहाल इंसान के जहरी अमाल तक हो सकती है। इसके ख्यालात और इरादे की इसकी दस्तरस से बाहर होते हैं, लेकिन खुदा के कानून मकाफात अमल की रोह से इंसान के हर ख्याल और इरादा का असर भी इसकी जात पर पड़ता है। इसलिए निजाम आदिल मुहासबा कितना ही मुकम्मल हमागीर क्यों ना हो, इसकी दस्तरस बहरहाल इंसान के जहरी अमाल तक हो सकती है। इसके ख्यालात और इरादे की इसकी दस्तरस से बाहर होते हैं, लेकिन खुदा के कानून मकाफात अमल की रोह से इंसान के हर ख्याल और इरादा का असर भी इसकी जात पर पड़ता है। इसलिए ये भी खुदा के हिसाब के दायरे के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए फरमाया وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ, तुम किसी बात को अपने दिल में छुपाओ या इसे जाहिर करो, खुदा इन सब का हिसाब लेगा। मोमिन को इसका यकीन होता है और इसी से वो गलत इकदाम से बचता है। इसलिए वो ज़हूर नताइज के वक्त कहता है मुझे इसका हर वक्त ख्याल रहता था। इन्नी मलअ हिसाबिया, मेरा हिसाब मेरे सामने आएगा, इसके बरक्स जहन्नम में जाने वाला अपने हिसाब का परत देख कर चीख उठेगा, या लैतनी लम उत्ता किताबी है वलम अदरीबा वमा अदरी मा हिसाबिया, इकाश ये हिसाब का परत मुझे न दिया जाता और मुझे इल्म ही नहीं होता मेरा हिसाब किया है। चूंकि अहले जन्नत के अमाल खुदा के कानून के मुताबिक होंगे, इसलिए इनका हिसाब बहुत किया जाता और मुझे इल्म ही नहीं होता मेरा हिसाब किया है। चूंकि अहले जन्नत के अमाल खुदा के कानून के मुताबिक होंगे, इसलिए इनका हिसाब बहुत आसान होगा। इसके बरक्स गलतकार लोगों का हिसाब बड़ा सख्त होगा। लिहाजा इंसान को हर वक्त इसका ख्याल रखना चाहिए कि इसे अपनी एक एक हरकत के लिए जवाबदार होना है। इंसान अपना मुहासिब आप है। यहां तक कि हमने कहा है खुदा को हिसाब लेने वाला कहा है, ये सिर्फ बात समझाने के अंदाज है। मकसद इससे यही है कि ये हिसाब खुदा के कानून मकफात अमल की रोज से होगा। हिसाब करने वाला कहीं बाहर से नहीं आएगा। चूंकि इंसान के हर अमल का असर इसकी जात पर मरतब होता है, इसी का अपने मुहासिब आप होता है। इसकी जात इसका अमाल नामा होती है और इस अमाल नामा को वो खुद पढ़कर अपना हिसाब आप कर लेता है। सूरह बनी इसराइल में इस हकीकत को बड़े बलीग अंदाज में बयान किया गया है। फरमाया वकुल्लु इंसान अज़्ज़मनहु ताइरहु फी उनुकिहि, हर इंसान का अमाल नामा इसकी गर्दन में लटका होता है। वनुख्रिजु लहु यौम अल-क़ियामा, ज़हूर नताइज के वक्त हम इस अमाल नामा को बाहर लाएंगे। कहा जाएगा इक़्रा किताबिका, तो अपना अमाल नामा खुद आप पढ़। काफा भी नफसी का यौम अलैका हसीबा, आज तो अपने खिलाफ अपना मुहासिब आप है, किसी दूसरे मुहासिब की जरूरत नहीं। सरीउल हिसाब, इंसान से जिस वक्त कोई अमल सरजद हो, इसका नतीजा इसके साहती मरतब होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो महसूस शक्ल में कुछ अरसे के बाद जाकर सामने आता है। इस एतबार से इसके साथ ही मरतब होना शुरू हो जाता है। खुदा ने अपने आप
खुदा ने अपने आप यानी अपने कानूनी मकाफात को सरीउल हिसाब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला कहा है। सरीउल हिसाब ही नहीं बल्कि असराउल हासिबीन सबसे ज्यादा तेज हिसाब करने वाला। यौमुल हिसाब जिस वक्त इंसानी अमाल के नताइज का महसूस तौर पर सामने आए ख्वा इस दुनिया में और ख्वा इसके सामने आए ख्वा इस दुनिया में और ख्वा इसके बाद की जिंदगी में इसे यौमुल हिसाब से ताबीर किया गया है। इसकी तशरीह जरा आगे चलकर सामने आएगी। मसलन सूरह स्वाद में नमाए जन्नत की तस्करा के बाद कहा है हाज़ा मा तूअदूना लियौमिल हिसाब, ये है वो नुमा जिनका तुमसे यौम हिसाब के लिए वादा किया जाता है। जैसा कि आगे चलकर बताया जाएगा अमाल के नताइज इस दुनिया में भी सामने आ जाते हैं। इस एतबार से कहा है इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ रहा है लेकिन वो अभी तक हकाइक से मुंह, ये है वो नुमा जिनका तुमसे यौम हिसाब के लिए वादा किया जाता है। जैसा कि आगे चलकर बताया जाएगा अमाल के नताइज इस दुनिया में भी सामने आ जाते हैं। इस एतबार से कहा है इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ रहा है लेकिन वो अभी तक हकाइक से मुंह मोड़े ख्वाब गफलत पर पड़े सो रहे हैं। दुनिया में जिस कदर फसाद बरपा है और लोग धांधली मचा रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि इन्हें यौम हिसाब खुदा के कानून मकाफात पर यकीन नहीं। यही वो लोग हैं जिनसे हर अमन पसंद को पनाह मांगनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम अपने पैगाम के खिलाफ फिरौन का रद्द अमल देखा तो इनकी जबान पर बेसाख्ता आ गया इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बहुम मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब, मैं हर इस मुतकब्बिर से महफूज रहने के लिए जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता खुदा की पनाह में आ जाना चाहता हूँ। फिर जैसा कि पहले यानी हर शख्स ने अमाल का आप जिम्मेदार है इसलिए कुरान करीम ने इसे भी वाजा कर दिया है कि हर एक का हिसाब अपना अपना होगा। हत्ता कि इस बात में रसूल भी अफरादी उम्मत के हिसाब में शरीक नहीं होता। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूमिनु बियौमिल हिसाब, मैं हर इस मुतकब्बिर से महफूज रहने के लिए जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता खुदा की पनाह में आ जाना चाहता हूं। फिर जैसा कि पहले यानी हर शख्स ने अमाल का आप जिम्मेदार है इसलिए कुरान करीम ने इसे भी वाजा कर दिया है कि हर एक का हिसाब अपना अपना होगा। हत्ता कि इस बात में रसूल भी अफरादी उम्मत के हिसाब में शरीक नहीं होता। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाहज़ा अल्फाज में कहा गया है मा अलैका इन्ना हिसाबिहिम मिन शैइन व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन, और इनके अमाल का हिसाब तुम्हारे जिम्मा है और ना ही तुम्हारे अमाल का हिसाब इनके जिम्मा है बगैर हिसाब। कुरान करीम में बास मकामात में कहा गया है लोगों को इनके अमाल का अजर बगैर हिसाब मिलेगा। मसलन सूरह जुमर में है इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, जो लोग मुश्किलात के वक्त साबित कदम
रहते हैं, इन्हें इनका बदला बगैर हिसाब के मिलता है। या मसलन रिस्क के मामले में बाज मकामात में कहा गया है कि इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। इसके ये मायने नहीं कि खुदा के यहाँ कोई कायदा और कानून मुकर्रर नहीं और वो यूं ही बिला हिसाब दे देता है। ये कुरान करीम की सारी तालीम के खिलाफ है। खुदा के यहाँ हर बार कायदे और पैमाने है। खुदा के यहाँ हर बार कायदे और पैमाने के मुताबिक होती है। इन आयत में बगैर हिसाब के मायने ये है कि जो शख्स कानून खुदावंदी के मुताबिक कोई काम करता है तो इसका खुशगवार नतीजा इसके अंदाजे और ख्याल से बढ़कर मरतब होता है। चुनांचे सूरह तलाक में है, जो शख्स कानून खुदावंदी की निगहदाश्त करे ख्वाह बज़ाहिर हर हालात कैसी ना मसाइद क्यों ना हो, यरज़ुकु मिन हैज़ु ला यहतसिब, खुदा इसे ऐसे मकामात से रिस्क देता है जो इसके जो सान वो गुमान में भी नहीं होते। इसके बरक्स जिन सरकश अहद शिकन यहूदियों को मुसलमानों के मकामात से रिस्क देता है जो इसके जो साल वो गुमान में भी नहीं होते। इसके बरक्स जिन सरकश अहद शिकन यहूदियों को मुसलमानों के हाथों शिकस्त मिली थी इनके मुतल्लिक कहा फाइन्नहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहसिबु, खुदा का अजाब इन पर इन रास्तों से आ गया जो इनके वहम गुमान में भी नहीं थे। जिन आयत में कहा गया है खुदा बगैर हिसाब देता है, वहां मुराद ये है कि वो इतना देता है जो खुद इस शख्स के अपने अंदाजे और हिसाब से भी ज्यादा होता है। खुदा के पैमाने इंसानी पैमानों से मुख्तलिफ होते हैं। कौमों का हिसाब, ये हिसाब अफराद ही का नहीं होता, कानून मकाफात की रोह से कौमों के अमाल का भी मुहासबा साथ साथ होता रहता है। सूरह तलाक में है वकाई मिन क़रियतिन अतत अन अम्री रब्बिहा رسوله وجاء صبنها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا। कितनी कौमें ऐसी थीं जिन्होंने एहकामात खुदावंदी और पैगामात रिसालत से सरकशी बरती तो हमने इनका सख्त मुहासबा किया और इन्हें तबाह कुन अजाब का मजा चखाया। खुदा की गिरफ्त, इस मुहासबा को कहीं खुदा की गिरफ्तों के हर अमल का अंजाम इसका नतीजा होता है, बाहर नतीजा इस अमल का अंजाम होता है। इसलिए इकाबन का लफ्ज अंजाम के लिए भी आया है, हुआ खैरुन सवाबु व खैरु उकबा, वो बेहतरीन बदला लेने वाला है और अंजाम को बेहतर बनाने वाला। उपदारु आखिरी ठिकाना, यानी इन्हीं मायने में आया है जुन्तिकाम। हमारे यहां इंतकाम का लफ्ज बिल उमूम अच्छे मायने में नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अरबी जबान में और कुरान करीम में ये लफ्ज जुर्म के मौके के माने में आया है। इस एतबार से खुदा को जुल्मतकाम के माने में आया है। इस एतबार से खुदा को जुल्मतकाम कहा गया है, यानी वो जिस कानून मकाफात हर मुजरिम को इसके जुर्म की सजा देता है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल्मतकाम, अल्लाह बड़े गलबा का मालिक और मुजरिमों को इन
इनके किए की सजा देने वाला है। कहीं कौमों की पादाश अमल के बाद कहा है कि हमने इनसे इस तरह इंतकाम लिया, यानी इन्हें इनके जराइम का बदला दिया, और कहीं ये कहकर इसकी वजाहत कर दी فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ। हमने इन्हें इनके इनके किए की सजा, फिर देखो कि इन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो हमारे कानून मकफात को झुटलाते थे।